हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी टेट और सीटेट वाली क्लास को, जहां हम पढ़ रहे थे बाल विकास के बारे में। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जहां तक मैं जानता हूं कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनको इस विषय के बारे में गहन नॉलेज नहीं होता है। दिक्कत क्या होती है, या तो अच्छे टीचिंग न मिल पाने की वजह से, या तो विषय में रुचि नहीं हो पाती किसी वजह से। इस वजह से टॉपिक बड़ी ख़राब लगती है। तो मैं आपको बता दूं, पीछे मैंने 3 टॉपिक अपलोड किया हूं और मुझे ऐसा लगा कि आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, इसलिए अब ये डेली टॉपिक आपकी अपलोड होगी डेली इवनिंग के टाइम। आज का ये पार्ट आपका चौथा पार्ट है। जो लोग नए हैं, मैं चाहूंगा 3 पार्ट आप जाके देख लेना, ठीक है, और आज चौथा पार्ट आप देख लीजिए। बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है यार, बाल विकास तो इतना अच्छा सब्जेक्ट है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप पढ़ो इसको, इतने मजे से इसकी पढ़ाई होती है, ठीक है। और आज हम लोगों को पढ़ना व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में। और कहीं ना कहीं एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, धीरे धीरे कंपटीशन एग्जाम का लेवल देखिए उठता चला जा रहा है। अगर आप अपने मेंटल स्तर को बढ़ाओगे नहीं, ऊंचा नहीं उठाओगे, तो आप याद रखो कभी भी आप कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए विषय पर जोरदार पकड़ होनी चाहिए, मजबूती से पकड़ होनी चाहिए, और विश्व जो विषय आप तैयारी कर रहे हो उसकी अच्छी समझ होनी चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन का उत्तर निकाल पाओगे। अदरवाइज रट्टा मार तोता वाली कहानी हो गई, खत्म, ठीक है। अगर आप रटने के चक्कर में, तो कुछ नहीं कर पाओगे। आओ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हालांकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बट उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पर्सनैलिटी, वैसे तो पर्सनैलिटी के बारे में सभी लोगों को पता है कि यार व्यक्तित्व क्या होता है। हर आदमी कहते हैं पर्सनैलिटी सबकी अच्छी है, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी। ये पर्सनैलिटी माने होता क्या, पर्सनैलिटी माने क्या, हम जॉन अब्राहम हो जाएं या सलमान खान हो जाएं या अमिताभ बच्चन हो जाएं या मोदी हो जाएं, पर्सनैलिटी माने क्या, आप क्या जानते हो पर्सनालिटी का मतलब। देखो, हमारे यहाँ पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, ठीक है। हो सकता है कई लोगों को हमारा तरीका पसंद नहीं आएगा, लेकिन भाई तरीका तो यही हमारे यहाँ पढ़ाने का। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि पर्सनैलिटी माने होता ही क्या, क्या पर्सनैलिटी माने सलमान खान होते हैं, या पर्सनैलिटी माने जॉन अब्राहम होते हैं, या पर्सनैलिटी मीन्स मोदी होते हैं, एक्चुअली में पर्सनैलिटी में हम किसकी बात करते हैं, तो पर्सनैलिटी शब्द का जो हिंदी अर्थ है वो एक अलग से आपको होगा। बट इसका आप जान लो कि जब हम लोग पर्सनैलिटी पढ़ते हैं, ये एक इंग्लिश का शब्द है और इसकी उत्पत्ति एक लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है परसोना। क्या होता है, परसोना, या परसोना नाम का साबुन भी आता है ना, सॉप आता है ना एक परसोना, हाँ हाँ ठीक है, उसी से याद करना है, परसोना होता है। एक्चुअली में जो परसोना का अर्थ होता है नकली चेहरा या मुखौटा, यानी पर्सनालिटी अच्छी है मतलब क्या है, चेहरा नकली है। ओहो, अब हम समझे कि बताओ किसकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप चाहते हो पर्सनालिटी अच्छी, पर्सनालिटी अच्छी का मतलब क्या है, नकली चेहरा बहुत अच्छा है, आपका मुखौटा बहुत अच्छा है, मतलब उसके पीछे बात कुछ और है और कर कुछ और रह रहा है। अब आपको लगेगा सर ये परिभाषा कुछ अटपटी से नहीं लग रही है, क्या मुखौटा को या किसी व्यक्ति के दूसरे रूप को हम पर्सनालिटी बोलते हैं, यही होता है। आओ पढ़ते हैं, देखो अलग अलग वैज्ञानिक अपनी परिभाषा दे रहे हैं, उसके बाद हम अपनी परिभाषा पैदा कर लेंगे। एक शिक्षा शास्त्री हैं, वो उनका क्या कहना है, देखो वैज्ञानिक का मतलब ऐसा मत समझेगा जो हमेशा अनुसंधान करेंगे, रिसर्च यानी किसी भी सेक्टर में रिसर्च हो सकता है, कोई पर्सनालिटी के ऊपर रिसर्च करने लगा वो भी वैज्ञानिक अपने आप में। तो आर्ल पोर्ट नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके अनुसार ये बात क्या है, वो बता रहे हैं पर्सनालिटी किसे कहते हैं। उनका कहना है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक अवस्थाओं का या व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन व्यक्त करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, बताएं सिंपली एक लाइन में बताऊं इनका कहना क्या है। इनका कहना है भैया कि जो पर्सनालिटी है वो किसी भी व्यक्ति के अंदर की एक ऐसी दैहिक अवस्था होती, मतलब आपकी ऐसी शारीरिक अवस्था होती है जो जिसके अनुसार आप क्या कर सकते हो, आप समाज के हर एक स्टेज में, यानी बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, यंगस्टर के साथ, सभी लोगों के साथ एक बेहतर एडजस्टमेंट बना पाते हो, यही क्या है पर्सनालिटी। क्या है पर्सनालिटी भाई, अमिताभ बच्चन को अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि वो हर एक स्टेज पे क्या है अपने आप को बेहतर साबित करते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी, ठीक है, उनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है। एक और लोग है, उनका नाम है बोरिंग, नाम तो बोरिंग है, वो बोरिंग है नहीं, ठीक है। बोरिंग के अनुसार क्या है, वातावरण के साथ, मतलब ये जो हमारे अगल बगल का इन्वायरमेंट है, समाज का जो इन्वायरमेंट है, इस वातावरण के साथ सामान्य और अस्थायी समायोजन ही क्या कहलाता है, व्यक्तित्व तो कहलाता है। यानी हम इसके साथ अपना एडजस्टमेंट किस तरह से बना के रखते हैं, यही क्या है, यही व्यक्तित्व है। मन के अनुसार क्या है, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं,
योग्यताओं और अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। यह भी बहुत बेहतरीन परिभाषा है। कह रहा है पर्सनालिटी क्या होता है, कह रहा है पर्सनालिटी किसी भी व्यक्ति के व्यवहार क्या होता है, उसके बिहेवियर का एक तरीका होता है, एक दृष्टिकोण होता है, उसकी क्षमता होती है, उसकी योग्यता होती है, उसकी अभिरुचि होती है, और इस सभी का एक मिला जुला रूप क्या होता है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में सिर्फ व्यक्ति के हाव भाव का अध्ययन नहीं करते हैं, पर्सनालिटी में व्यक्ति का चरित्र देखते हैं, व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, व्यक्ति का रूप रंग कैसा है, व्यक्ति का पहनावा ओढ़ावा कैसा है। इसीलिए हमेशा आपसे कहा जाता है कि एक पढ़े लिखे विद्यार्थी के पास उसके पास एक अलग उसकी पर्सनालिटी होती है। जब वो बात करें तो 10 आदमी रुक करके उन्हें सुनना चाहिए, उनके पास ऐसी बात होनी चाहिए कि लोग उनकी बातों को सुने, उनके पास उनका ऐसा पहनावा ओढ़ावा होना चाहिए कि लोग उनकी तरफ आकर्षित हों। पता चला स्टाइल में रख लियो दाढ़ी, बनवा नहीं रहे हो 10-15 दिन से, एकदम रूठे घूठे पड़े हो, क्या फैशन दिखा रहे हो, पर्सनालिटी है। अरे बेहतर पर्सनालिटी बढ़ा के रखो, ऐसी पर्सनालिटी बनाओ कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, फैशन भी ऐसा हो कि लोग आपके ऊपर आकर्षित हों। ऊपर दी गई परिभाषाओं के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, भाई हम तो पढ़ने लिखने बैठे हैं तो हम क्या उत्तर निकालें वहाँ से। कह रहा वातावरण के साथ उस व्यक्ति के समायोजन का निर्धारण ही क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है, एक चित्त। यानी हम अपने इन्वायरमेंट, हम अपने समाज के साथ किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं, यही क्या है, पर्सनालिटी है। दूसरा दे रहा है कि व्यक्तित्व जो है ये मानसिक और शारीरिक गुणों से संगठित होता है। कुछ लोगों को मानना है कि जो पर्सनालिटी होती है बस खाली शारीरिक होती है, नहीं, खाली शारीरिक नहीं होती है, शारीरिक और मानसिक दोनों होती है। ऐसा भी नहीं कि खाली मानसिक, नहीं, आदमी मेंटली रूप से भी, तभी तो उसका कैरेक्टर देखा जाता है। पर्सनालिटी में कैरेक्टर का रोल भी बहुत अच्छा होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके। जैसे आप बहुत अच्छा, आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है, पता चला आप दिन भर नहाए नहीं हो, ठीक है, बाल वाल एकदम उलझे पड़े हैं, शक्ल देखने लायक नहीं, कौन आपकी बात आएगा सुनने, तो आपके चेहरे पे एक तेज होना चाहिए, एक फ्रेशनेस होना चाहिए, एक अलग से भाव होना चाहिए, वो आपका शारीरिक गुण है। आपके साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, समझ रहे हैं, तब जाके वहाँ पर पर्सनालिटी दिखती है। तो आज की बात याद रखना, पर्सनालिटी शारीरिक और मानसिक गुणों का संगठन होता है। तीसरा दे रहा है कि जो पर्सनालिटी है ये मनुष्य के बाहरी और आंतरिक गुणों का सम्मिलित स्वरूप है। इसमें ऐसा नहीं कि केवल व्यक्ति का आंतरिक गुण देखा जाता, नहीं, व्यक्ति बाहर के समाज के, बाहर के लोगों के साथ कैसे कोऑपरेशन दिखाता है, यह भी पर्सनालिटी है। कि घर के अंदर आप बहुत अच्छे हो, घर के बाहर आप एकदम उल्लू बने बैठे हो, या घर के बाहर आप बहुत अच्छे हो, घर के अंदर आप रोजमार किए पड़े हो, है, अपनी बीवी को सम्मान नहीं दे रहे हो, बाहर जो घूम घूम बतिया रहे हो कि नहीं वुमेन्स इम्पावर, वुमेन्स इम्पावर, वुमेन्स इम्पावर है, ये क्या है, ऐसे नहीं। पर्सनालिटी क्या होती है, मनुष्य के बाहरी और आंतरिक गुणों का सम्मिलित स्वरूप होता है। और चौथा पॉइंट कि व्यक्तित्व तो क्या है, गत्यात्मक संगठन है। मतलब क्या है, वो रुका नहीं रहता, वो हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है, गत्यात्मक संगठन है। आगे जरा व्यक्तित्व का, इस पर्सनालिटी का वर्गीकरण भी किया जा सकता है क्या, बिल्कुल किया जा सकता है। करा भारतीय दृष्टिकोण में व्यक्तित्व का वर्गीकरण, आइए करते हैं, तीन तरह से यहाँ पे कर रहा है। एक है सतोगुणी व्यक्तित्व, दूसरा है रजोगुणी व्यक्तित्व, और तीसरा है तमोगुणी व्यक्तित्व। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी क्या होता है, सतोगुणी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति उच्च आदर्श, श्रेष्ठ मूल्य, उत्तम स्वभाव, नैतिक मूल्यों से युक्त होता है, समझिए बात को, सतोगुणी, ठीक है, हमेशा मतलब अहिंसा के रास्ते पर चलना, सत्य के रास्ते पर चलना, उसके जो डिसिप्लिन होते हैं एकदम कठोर होते हैं, कड़क होते हैं, उसके अपने काम करने के तौर तरीके एकदम नियमित होते हैं, समझ रहे हो, सतोगुणी व्यक्तित्व। उनके नैतिक मूल्य एकदम एक तरह से बोल सकते हो आप कि पूरे उनके नियंत्रण में होते हैं, ठीक है, सतोगुणी व्यक्तित्व। रजोगुणी व्यक्तित्व मतलब सतोगुणी और तमोगुणी के मध्य की स्थिति होता है रजोगुणी, ठीक है। रजोगुणी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में कुछ अच्छे गुण भी होते हैं और थोड़ी बहुत बुराइयां भी होती है। सतोगुणी में कहता एकदम कुछ नहीं, फुल डिसिप्लिन, सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, सुबह टहलने जाना टहलना है, चाहे बारिश आ जाए, चाहे बुन्नी बरखा, कुछ भी आ जाए, वरा कोरा कुछ भी पड़ जाए, तबीयत खराब हो जाए, कोई मतलब नहीं है, 4 बजे नियमित उठना है तो उठना है, इतने बजे उनको नाश्ता चाहिए, 2 मिनट लेट नहीं हो सकता, समझ रहे, सतोगुणी व्यक्तित्व। रजोगुणी में कहता थोड़ी बहुत बुराइयां होती, थोड़ा सा चलो बारिश है कोई बात नहीं आराम कर लेते, रजोगुणी व्यक्तित्व थोड़ा सा। और तमोगुणी ऐसे निम्न स्वभाव के व्यक्तित्व होते हैं, एकदम चिरकुट टाइप के लोग जो होते हैं तमोगुणी होते हैं। इसमें कामी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, आलसी का नाम आता है ना तो मुझे मेरा याद आ जाता है, मेरे घर में मुझे लोग आलसी बोलते हैं, आपको लगता है मैं आलसी हूँ, बताओ,
सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत आलसी बोलते हैं। एक्चुअली मैं उनको बोलता हूँ ना कि मैं देखो राजा टाइप का हूँ, ठीक है, मैं आलसी वालसी नहीं हूँ, मतलब छोटा मोटा काम मैं नहीं करता। कोई बड़ा बड़ा काम है घर में, जैसे मम्मी बोलती सब्जी लाने के लिए, नहीं नहीं सब्जी लाने नहीं जाऊँगा। कुछ बड़ा काम है जो आप नहीं कर पा रहे हो, सब्जी लाने छोटे भाई को भेज दो और किसी को बोल दो, हाँ वो सब काम मैं नहीं करूँगा। जो थोड़ा सामान लिया हो, शैम्पू जाके लिया हो, साबुन, नहीं ये सब काम नहीं करता, ठीक है। तो घर वाले कहते बहुत आलसी हो, उठ के जा नहीं सकते, उठ के नहा नहीं सकते, उठ के खा नहीं सकते, छोटा मोटा काम नहीं। हाँ कोई आ गया, कोई बड़ा काम है तो बताओ, फिर मैं उसको करूँगा। हाँ सोफा उठा लो, मेज उठा लो, बाहुबली बन जाओ, हाँ तो हाँ फिर मैं खड़ा हो जाता हूँ काम करने के लिए, चलो कुछ भी हो। तो ये है आलसी। अब जो मानवीय व्यवहार है उससे परिपूर्ण होते हैं तमोगुणी। तो आजकल के संसार में देखेंगे तो सबसे नीचे वालों की स्थिति सबसे अच्छी है, मतलब ये सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। इसके बाद रजोगुणी पाए जाते हैं, और सतोगुणी का तो शायद ही दो चार पीस कहीं गिने चुने मिल जाए तो मिल जाए सतोगुणी वाले, बाकी ऐसे, ठीक है। आगे भारतीय दृष्टिकोण में व्यक्तित्व को दूसरी तीन श्रेणियों में और विभक्त किया गया, कफज, पितृज और पित्तज और वायुज। ये क्या होता है, शरीर में कब प्रधान व्यक्ति कवच व्यक्तित्व वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, कवच। पित्तज माने ऐसे व्यक्ति के शरीर में, ऐसे व्यक्ति के शरीर में की प्रधानता होती है, ऐसे व्यक्ति के शरीर में वायु की प्रधानता होती है, ठीक है। ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है यहाँ पे है थोड़ा सा मिसप्रिंट, तो आगे फिर से मैं बता दूंगा आपको, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है, इसको आगे मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। आगे कह रहा तीनों ही प्रकार के व्यक्ति स्वभाव, चरित्र और व्यवहार में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यूँ तो भारतीय दृष्टिकोण था, अगर हम पाश्चात्य दृष्टिकोण देखें यानी वेस्टर्न कल्चर में पर्सनालिटी को क्या बताया गया, तो वहाँ पर सेल्डन के अनुसार एक बात कर रहे हैं कि सेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को यानी पर्सनालिटी को तीन भागों में बांटा है, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। गोलाकार, आयताकार और लंबाकार तीन भागों में बांटा है। आगे दे रहा है कि स्प्रिंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण, ठीक है। अच्छा दोस्तों ये सब आप पढ़ते रहेगा, मैं क्या करता हूँ ना, मैं आज से ही आपको क्वेश्चन आंसर का सेट बनाना स्टार्ट करता हूँ और अगले आने वाले एक दो दिन में इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी दे देता हूँ, ताकि उससे क्या होगा ना कि आप हर चैप्टर को पढ़ो, हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी करते चलो, ताकि आपकी पकड़ मजबूत बनती जाए, और फिर वहाँ जो कुछ भी क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे उसको भी मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा, तो आप समझ ले जाओगे। आगे है स्प्रिंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। स्प्रिंग ने व्यक्तित्व को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर कुल 6 भागों में विभाजित किया। एक बताया सैद्धांतिक दृष्टिकोण, इसमें क्या है कि इस श्रेणी में कवि, लेखक, दार्शनिक, ठीक है, इन लोगों को सम्मिलित किया जाता है जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है स्प्रिंग के अनुसार पर्सनालिटी में, मतलब इन लोगों की पर्सनालिटी के बारे में बात किया जाता है। आगे है आर्थिक दृष्टिकोण। अब आर्थिक माने कॉमर्शियल टाइप के लोग, जैसे व्यापारी, दुकानदार, उद्योगपति हैं, वो लोग आर्थिक दृष्टिकोण में आते हैं। सामाजिक माने इस श्रेणी में जो सहानुभूति वाले व्यक्ति हैं, सहिष्णुता, दया, समाज सेवा की भावना रखने वाले व्यक्ति जो हैं सामाजिक दृष्टिकोण में आते हैं। राजनीतिक मतलब इस श्रेणी में आने वाले व्यक्ति राजनीति और प्रशासन में ज्यादातर भाग लेते हैं, तो राजनीतिक श्रेणी में आते हैं। सौंदर्यात्मक यानी कलाकार हो, मूर्तिकार हो, साहित्यकार हो, प्रकृति प्रेमी हो, एक्टर, एक्ट्रेस, ये सब किसमें आते हैं, सौंदर्यात्मक। धार्मिक, इस श्रेणी में संत हैं, पुजारी हैं, भक्त हैं, ये सब लोग इसमें आते हैं, ठीक है। तो ऊपर हमने पढ़ा सेल्डन, ठीक है, सेल्डन, स्प्रिंग और सेल्डन, इन दोनों को स्प्रिंग वाले ने सेल्डन में क्या बताया था कि गोलाकार, आयताकार और लंबाकार, ये पर्सनालिटी के टाइप बताया। स्प्रिंग ने अलग पर्सनालिटी का टाइप बताया। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वेस्टर्न कल्चर के अनुसार है, थार्नडाइक के अनुसार पूछता है, खाली इतना पूछता है आपसे, थार्नडाइक के अनुसार पर्सनालिटी कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक। क्या समझ रहे हैं, सूक्ष्म माने बहुत बहुत छोटा छोटा सोच रखने वाला, स्थूल माने एक अस्थायी सोच, ठीक है, इसी तरह से अलग अलग है। आगे है जुंग के अनुसार अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, खाली आप नाम पढ़ते जाओ, आगे डिस्क्राइब भी करेंगे। आधुनिक वर्गीकरण में कौन सा आता है, भावुक व्यक्ति आ गया, कर्मशील व्यक्ति आ गया, विचारशील व्यक्ति आ गया, इन लोगों के अनुसार तीन तीन टाइप से बांटा गया। आगे देखिए व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो व्यक्ति के पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं, तो उनको दो भागों में बांटा गया, एक जैविकी वंशानुक्रम संबंधी कारक, दूसरा सामाजिक और वातावरणीय कारक। अब देखिए एक एक करके पढ़ते हैं, जैविक या वंशानुक्रम संबंधी कारक, अभी देखो क्या है ना कि अभी जो मेरा क्लास नोट्स है ना वो भी आगे डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है, तो यहाँ से आप हेडिंग बाई हेडिंग देखते जाओ, ये एक समझाने के लिए मिल गया है खाली। तो जैविक या वंशानुक्रम संबंधी कारक में हम लोग जब पढ़ेंगे तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि जो पर्सनालिटी होती है ये शारीरिक बनावट को लेकर के होती है, स्वास्थ्य के लेकर के होती है, बौद्धिक योग्यता मतलब किसी व्यक्ति का मेंटल एबिलिटी क्या है उसको देख करके। अरे शारीरिक बनावट, सलमान खान को उठाओगे तो क्या शारीरिक बनावट के आधार पर ही तो उनकी है
ठीक है, स्वास्थ्य हो गया, बौद्धिक योग्यता हो गया, स्नायुमंडल हो गया, स्नायुमंडल, ठीक है। इसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां मतलब पेट के अंदर वाला बात वो नहीं है, बात मतलब क्या है कि पूरी तरह से स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त, ठीक है। ये होता है जैविक या वंशानुक्रम संबंधी कारक। इसी तरह सामाजिक और वातावरणीय कारक की बात करें तो सामाजिक की बात करें तो समाज कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे परिवार से, हमारी मित्र मंडली से, विद्यालय हो गया, पास पड़ोस हो गया, ठीक, हमारा बाजार हो गया, भौतिक वातावरण हो गया, सांस्कृतिक वातावरण हो गया, यही सब तो है समाज और वातावरण, यह तो आप समझ ही रहे होंगे। आगे कह रहा है कि चलो अगर ये सारे फैक्टर हैं तो हम व्यक्तित्व का मापन कैसे करें, हमको कैसे पता चलेगा कि पर्सनालिटी को मापा जाए और पर्सनालिटी को कैसे समझा गया किसका पर्सनालिटी अच्छा है। तो व्यक्तित्व के मापन की विधियों को पुनः चार भागों में बांटा गया। यार इतने भाग है ना कि आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा सुन सुन के, लेकिन मैं कहता हूँ आप शांति से सुनते जाओ, खाली सुनो भर। अभी जब मैं क्लास नोट्स पे आऊँगा ना तब आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, तो आप खाली शांति से सुनो। व्यक्तित्व मापन, अगर व्यक्तित्व मापन माने क्या, किसी के पर्सनालिटी का मापन करना हो कि कैसे किया जाए, तो उस मापन करने की विधि जो है चार तरीके से, आप इसके माध्यम से पर्सनालिटी देख सकते हो, चेक कर सकते हो, इसके माध्यम से, इसके और इसके माध्यम से। एक है आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ, दूसरा है वस्तुनिष्ठ, तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक और चौथा है प्रक्षेपण। ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि सबसे जरूरी चीज़ है क्या, उसका मापन। तो व्यक्तिनिष्ठ विधियों के आधार पर आप मापन कैसे करोगे, करा इन विधियों में आत्मकथा विधि, साक्षात्कार विधि या व्यक्ति इतिहास विधि या प्रश्नावली विधि को लिया जाता है। फिर से आप उसके अंदर चल रहे हो, व्यक्ति निष्ठ विधियों के अंदर जा रहे हो। अरे यार इसी तरह से आजकल के ज़माने में पर्सनालिटी चेक किया जाता है। अरे मेरे भाई आई एस पीसीएस देते हो, इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू क्या है, वो भी आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो रहा है। इसी तरह ये जो आप पढ़ रहे हो व्यक्तिनिष्ठ विधि, उसमें पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, पहला तरीका दे रहा है आत्मकथा विधि। विलियम पुंट और टीचनर ने इस विधि के प्रवर्तक माना जाता है। इस विधि में परीक्षक जो होता है, जो एग्जामिनर है, वो विद्यार्थी के व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए एक शीर्षक देता है और कहता है कि शीर्षक को ध्यान में रखते हुए वह अपने जीवन से संबंधित इतिहास को लिखे। आत्मकथा विधि, एक शीर्षक दे दिया, निबंध जानते हो वही बोल रहा है, ठीक है। हाँ, एक शीर्षक के आधार पर उसी शीर्षक को ध्यान में रखते हुए आपको उस चीज़ को डिस्क्राइब करना है। विद्यार्थी द्वारा लिए गए इतिहास के माध्यम से उसके व्यक्तित्व का, उसके पर्सनालिटी का मूल्यांकन किया जाता है कि वह व्यक्ति कहाँ तक सही सोच वाला है, कितना सकारात्मक सोच का है, कितना नकारात्मक सोच का है। उसकी लिखावट में जो भी उसके विचार होते हैं वो अपने विचारों को लिख देता है, जो एग्जामिनर होता है उसके विचारों को पढ़ लेता है, समझ में आ जाता है। आत्मकथा विधि, साक्षात्कार विधि, ये तो सबसे फेमस है, अमेरिका से स्टार्ट हुआ था इंटरव्यू मेथड। इस विधि में परीक्षक और परीक्षार्थी आमने सामने होते हैं, परीक्षक परीक्षार्थी से प्रश्न पूछता है और परीक्षार्थी उन प्रश्नों के उत्तर भी देता है। परीक्षार्थी द्वारा दिए गए उत्तर की सहायता से उसके पर्सनालिटी का मूल्यांकन किया जाता है। आज हमें अगर किसी अच्छे पद पर ले जाना है, पहुंचना है, तो उसके लिए हमको इंटरव्यू की विधि से गुजरना पड़ता है। सामने वाला क्या करेगा, आराम से क्वेश्चन पूछेगा और हमारा हाथ कांपेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अरे बिंदास उत्तर दो ना, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, उलझाओ मत। कभी भी अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब ना आए तो सामने वाले को उलझाओ मत। सामने वाले को उलझाओगे ना तो ये बहुत गलत है। नहीं आता, आप सरेंडर कर जाओ, तुरंत सरेंडर कर दो, सर इसके बारे में मुझे नहीं पता, सीधा बिल्कुल एकदम फैक्ट। अरे खा तोड़े जाएंगे यार, अरे पूछ दिया, बहुत सारी चीज़ें आप हमसे पूछोगे हमें भी नहीं पता है। अरे रोबोट थोड़े हैं यार, गूगल थोड़े हो, क्या कुछ भी सर्च मारोगे आ जाएगा, हैं? बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता है, ठीक है, हो सकता है किसी समय में पता हो, किसी ऐसे समय में दिमाग कहीं और पर, उससे पूछ दो भैया फलाने अच्छेद में क्या लिखा है, नहीं बता पाएगा कोई इंसान, है? अरे पॉलिटी का टीचर भी होगा तभी नहीं बता पाएगा भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछ दो उसको भी नहीं पता होगी, है? तो ऐसे थोड़े होता है। तो नहीं आता सरेंडर कर जाऊँ, कोई दिक्कत थोड़े है। आगे कह रहा है व्यक्ति इतिहास विधि, ये तीसरी विधि है, व्यक्तिनिष्ठ में तीसरी विधि है। देखिए इसमें क्या होता है कि यह विधि टाइडमैन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इस विधि में जो एग्जामिनर है वो परीक्षार्थी के जीवन के बारे में तथ्यों को एकत्रित करता है। तो गजब का मेथड है यार, एक 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 व्यक्ति के बारे में तथ्य एकत्रित करना। होता है भैया ऐसा भी होता है, पूछो कहाँ पे होता है, जो लोग एसएसबी का इंटरव्यू देते हैं उनका इंटरव्यू 5 दिन तक चलता है। 5 दिन तक उनको एक कमरे में रखा जाता है, वहाँ पर उनको खाना पीना रहना उठना बैठना सब कुछ होता है और कैमरा लगा रहता है। उस कैमरे की सहायता से उसके जीवन के एक एक पॉइंट को, जो फैक्ट होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उसको एकत्रित किया जाता है। और डे बाई डे कुछ लोग वहाँ से जाते भी रहते हैं, जाओ भैया आपका टाइम खत्म हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, ऐसे होता है एसएसबी के इंटरव्यू में। अरे सही बता रहे हैं यार, आप लोग हंस रहे हो मजाक कर रहे हो, सही बता रहा हूँ, सीरियसली है। उनकी सहायता से उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है, जो भी फैक्ट कलेक्ट किए जाते हैं उसके आधार पर। यह विधि निदानात्मक पर आधारित है,
और सामान्य बालकों का निदान इसी विधि के द्वारा किया जाता है। और चौथी है प्रश्नावली विधि। इसमें क्या होता है, इस विधि को व्यक्तिगत अनुसूची भी कहा जाता है। वुडवर्थ द्वारा सबसे पहले पर्सनल डेटा इंक्वायरी का निर्माण किया गया। इस विधि में जो परीक्षक है उसके द्वारा प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है और इस प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थी को सिर्फ हाँ या ना में देना होता है। प्रश्नावली विधि गजब का, ऐसा आ जाए तो कई लोग खुश हो जाएंगे, हाँ ना हाँ ना मजा आ जाएगा ना। चलो पढ़ते हैं आगे। दूसरा है कि वस्तुनिष्ठ विधि से दोस्तों आप किसी के पर्सनालिटी को चेक कर सकते हो। वस्तुनिष्ठ में पहला मेथड है निरीक्षण मेथड। कौन मेथड है, निरीक्षण मेथड। इस विधि को बहिर्दर्शन विधि या सार्वभौमिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि के प्रवर्तक कौन है, वाटसन है। इस विधि में परीक्षार्थी के व्यवहार का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। निरीक्षण वो आपको एग्जामिन करेंगे, एसएसबी के दौरान ये भी लागू किया जाता है, उसको एक एक चीज़ों को निरीक्षण किया जाता है। अरे मेरे भाई, अरे कौन सा एक, अरे प्रोग्राम आता था ना बिग बॉस, बिग बॉस आता था ना, वहाँ क्या होता था, यही तो है निरीक्षण विधि। वह आप कैमरा लगा के एक एक चीज़ को देखते रहते थे, कौन क्या कर रहा है, कौन किसी को परेशान कर रहा है, कौन गुस्सा कर रहा है, ठीक है, और जो फिर एक एक करके एलिमिनेट भी करते रहते थे, फिर वहाँ से निकलता था निरीक्षण विधि। इसी तरह है समाज मिति विधि। कौन सा है, समाज मिति विधि। यह विधि जेएल मोरेनो के द्वारा दिया गया। इस विधि में परीक्षार्थी से संबंधित सामाजिक प्रश्न समाज के व्यक्तियों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप जाके क्या करते हैं, पर्सनल टेस्टिंग करते हैं उसके गांव में, बाजार में। अच्छा ये कब होता है, जब शादी ब्याह करना होता है ना, तब यही विधि इस्तेमाल किया जाता है। भैया लड़का कैसा है, दारू वारू पीता है कि नहीं पीता है, सिगरेट पीता है कि नहीं पीता है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है कि नहीं, तब ये सब पता किया जाता है। समाज मिति विधि, तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना ताकि समाज के लोग आपके बारे में, अच्छा बहुत अच्छा लड़का, इतना बढ़िया लड़का है, सज्जन है, सुशील है, तलाक से शादी हो जाएगी फट से, है कि नहीं। आगे देखो क्रम निर्धारण मापनी। ये क्या है, धरण मापनी विधि में क्रम निर्धारण मापनी के माध्यम से व्यक्तियों के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और परीक्षार्थी के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है, धरण मापनी विधि, ठीक है। आगे है, ये भी उसी तरह का है, शारीरिक परीक्षण विधि। इस विधि में व्यक्ति की शारीरिक जांच करके, अरे पुलिस में दौड़ होता है, आर्मी में दौड़ होता है, वहाँ है ना शारीरिक परीक्षण विधि, ठीक है। इस विधि का उपयोग पुलिस, वायुसेना, थल सेना, जल सेना में शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय किया जाता है। एसआईएम भी दौड़ा देते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी विधि है दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ। इसका प्रवर्तक कौन है, सिगमंड फ्रायड इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनके अनुसार कौन सी स्वतंत्र शब्द साचर्य परीक्षण या स्वप्न विश्लेषण के माध्यम से इसमें पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है। एक और मेथड है बहुत फेमस है, प्रक्षेपण विधियाँ। ये क्या होता है इसको देख लीजिए, प्रक्षेपण शब्द का सबसे पहले प्रयोग यही सिगमंड फ्रायड ने किया था। प्रक्षेपण का अर्थ होता है अपने विचारों, बातों और कमियों को अन्य व्यक्तियों या पदार्थों के माध्यम से व्यक्त करना। कमी और विचार जो कुछ भी आपका है, लेकिन व्यक्त कौन करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति। प्रक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के भावों, विचारों और भावनाओं, संवेगों, अस्थायी भावों और आंतरिक भागों का अन्य व्यक्तियों या बाहरी जगत के माध्यम से सुरक्षात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। वारेन एक और शिक्षा शास्त्री, उनके अनुसार है कि यह प्रक्षेपण वह प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति बाह्य जगत में अपने दमित मानसिक प्रक्रियाओं का प्रक्षेपण करता है। कई लोग तो टेंशन में आ गए, सर प्रक्षेपण नहीं समझ में आ रहा है, अरे समझा रहा हूँ, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि किसी चीज़ को, यार मुझे लगता है ना, किसी बात को सामने वाले को ऐसा बताओ उसको समझ में आ जाए। यार इतने कठिन बातों को करने की क्या जरूरत है जिसका कोई मतलब ही नहीं निकले, हैं इतना ज़्यादा कठिनाई में बोलने में कोई दिक्कत देगा, जैसे खूब हार्ड लाइन बोल दूँ बहुत मज़ा आ जाएगा क्या उसमें। कुछ वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है खूब कठिन शब्द बोलते हैं, ठीक है। अरे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करो जिसे जन सामान्य सामान्यता पूर्वक समझ जाए, आसानी से समझ जाए, तब तो उसको फॉलो करेगी। एकदम इतना हाई लेवल की किताब लिख दो कोई पढ़वे नहीं करे, अरे कहाँ किताब लिख दी, अरे किताब इसी ने लिखे थे ना कि जनता उसको पढ़ सके, उसको अपने जीवन में लागू कर सके। ऐसी किताब लिखने की क्या जरूरत है, लिख दिया जिसको कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो जन सामान्य के भाषा में लिखो। प्रक्षेपण प्रविधियों का स्वरूप, इन प्रविधियों में सामान्य रूप से व्यक्ति के संभोग उद्दीपक स्थिति प्रस्तुत की जाती है तथा उसे ऐसे अवसर प्रदान किए जाते हैं कि वह अपने व्यक्तित्व जीवन से संबंधित छिपी हुई बातों को उन परिस्थितियों के माध्यम से प्रकट करें, ठीक है। आगे पढ़िए, डिस्क्राइब कर रहा हूँ अभी मैं। इन प्रविधियों के संबंध सामान्यतः अवचेतन मन में दमित इच्छाओं से होता है। जो उनके मन में इच्छा दब गई है, दबी हुई रह गई है, उन इच्छाओं को बाहर लाया जाता है, उनको जोश दिलाया जाता है कि वो क्या करें, अपनी इच्छा को बाहर निकालें,
प्रक्षेपण प्रविधियाँ आंतरिक भावना और व्यक्तिगत संरचना का भी मापन करती हैं। अब प्रक्षेपण प्रविधियों की विशेषताएँ, जैसे मैं हूँ, अच्छा आपको नहीं समझ में आया ना प्रक्षेपण, चलिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको कभी न कभी जीवन में प्यार हुआ होगा, हो सकता है आज उनकी शादी हो गई हो सकता है आज उनकी शादी नहीं हो गई। अगर मैं आपसे ऐसे बातचीत करता जाऊं और अपनी लव स्टोरी के बारे में कुछ आपको थोड़ा बहुत बताऊं, तो आपका भी मन होगा अरे यार सर, मतलब स्टडी 91 वाले सर बहुत अच्छे हैं, तो हमसे मतलब मज़ा आ जाता है यार स्टोरी को सुन करके। हमें भी इच्छा होती है हम भी उनके साथ कुछ शेयर करें, है कि नहीं, हमें भी इच्छा होती है हम भी उनके साथ कुछ शेयर करें। तो आप भी अपने क्या करोगे, अपने मन में जो दबी हुई भावनाएं हैं, कहानियां हैं, उसको आप हमें सुनाओगे, सर हमारे साथ भी ऐसा हुआ, ये चीज़ें हुआ था, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, दो विचारों का, दो भावनाओं का मिलन होता है, यही तो प्रक्षेपण है यार, यही प्रक्षेपण है, होता है ना। अच्छा, दो भावनाएं या दो विचारों का मिलन कहाँ पर होता है, जहाँ पर एक जैसे दो लोग मिलते हैं, जहाँ पर एक जैसे दो लोग मिलते हैं। इसी तरह बता रहा है कि प्रक्षेपी विधियों की विशेषताएँ क्या क्या। अब आप समझ लो कि अगर आप, मैं कहानी सुनाता हूँ और आप कहानी सुनाते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या विशेषताएं आ सकती हैं। कह रहा है वह यह व्यक्ति के अंतर मन में दबे हुए विचारों को प्रकट करने में क्या होता है, सहायक होता है। आपके मन में जो कुछ दबा होगा, पहला मेरा पहला प्यार, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, वो आपके मन से क्या होगा, बाहर निकलेगा, ये होगा कि नहीं होगा ना। दूसरा कह रहा है कि इनके द्वारा बाह्य पदार्थों, मतलब जो बाह्य पदार्थ हैं, बाह्य पदार्थों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्ट रूप से विचारों, अभिवृत्तियों, संवेगों, अभाव, अनुभव, भावना, इन सभी गुणों का अध्ययन किया जाता है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। अरे भाई टारगेट हमारा क्या होता है, हमारा टारगेट ये होता है कि प्रक्षेपण विधि के माध्यम से किसी व्यक्ति के अंतर्मन की बातों को जान लेना, लेकिन उन बातों को जान करके इनडायरेक्टली वहाँ से विचारों को देखा जाता है कि उसके विचार क्या हैं, क्योंकि जब व्यक्ति अंतर्मन की बात बताता है ना, तो उससे उसके विचार पता चलते हैं कि उसकी भावना कैसी थी, समझ रहे, पूरी कहानी के दौरान पता चलेगा उसका कैरेक्टर कैसा था, उसका संवेग, उसके अनुभव, उसकी भावना, उसके गुण, उसके अवगुण, सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा, बात समझ रहे हैं। और तीसरा दे रहा है, यह भी दिया, अचेतन मन को समझने का एकमात्र साधन है, प्रक्षेपण विधि जो है अचेतन मन को समझने का एकमात्र साधन है, इनकी स्थिति संदिग्ध होती है, इसलिए व्यक्ति को अनुमान लगाने का अवसर नहीं मिल पाता। अब पांचवा है, इनका प्रयोग सामान्य तथा असामान्य दोनों भारतीय के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है, तो चलो ठीक है, लेकिन प्रक्षेपण विधियों के कुछ दोष भी हैं। अब दोष क्या है यार, गुण तो बड़े अच्छे अच्छे हैं, विशेषता तो बड़ी अच्छी, क्या दोष भी है क्या? देखो, प्रक्षेपी विधियों का मानवीकरण एवं रचनाएं एक दुर्लभ कार्य, किसी के मन को जाकर के मन से बात करना, उसके अंतर मन को जानना बड़ा कठिन काम है। अरे जरूरी थोड़े है कि हम जिसके साथ शेयर करें अपनी भावना को, हमारे साथ भी शेयर करें, कई लोग होते हैं दबे मन वाले होते हैं, नहीं शेयर करते हैं, तो है ना एक कमी। इस तरह की परीक्षण में समय और धन अधिक खर्च होता है। अरे पहले अपनी भावना को जाके उसके भावना से मिलाना पड़ता है, अपने प्यार को उसके प्यार के सामने बताना पड़ता है, फिर उसके मन में एक अंतर भावना जगती है, तब धीरे धीरे हमारे साथ घुलता मिलता है, तब जाके अपनी कहानी कहता है, तुरंत थोड़े कह देगा, तो समय और धन अधिक खर्च होता है। और अगला है, इन विधियों का प्रशासन गढ़ एवं ए और साधन बने, अच्छा करें कि इनको लागू करना थोड़ा सा इतना आसान नहीं हो पाता, थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम टेकिंग होता है ना। आगे है, इन प्रविधियों का संबंध मुख्य रूप से व्यक्ति के अचेतन पक्ष से ही रहता है, जबकि व्यक्तित्व का जो चेतन और अचेतन मन है, ये दोनों को मिलाकर बनता है। कर उससे क्या होता है, व्यक्ति के अंतर्मन को ही जान पाते हो। अरे तब व्यक्ति के अंतर्मन में क्या था और अब अंतर्मन में क्या है, दोनों दो बातें होती हैं, है कि नहीं। और पर्सनालिटी जो होता है, ये व्यक्ति का अचेतन मन और चेतन मन, इन दोनों को मिला करके होता है, क्या समझ रहे हैं, व्यक्ति जो पर्सनालिटी होता है, ये व्यक्ति का चेतन मन क्या कर रहा है और अचेतन मन क्या कर रहा है, दोनों को मिलाओगे तब आपको पर्सनालिटी के बारे में पता होगा, खाली अचेतन मन से पर्सनालिटी नहीं पता चलती है। और पांचवा दे रहा है, इनकी विश्वसनीयता और वैधता निर्धारित करना बहुत कठिन कार्य है, पुरानी बातों को सुन करके आप उनके कैरेक्टर को डिसाइड नहीं कर सकते, पुराने समय में कोई कैसा रहा हो, आज के समय में क्या है, ये मायने रखता है। आगे है, यह प्रविधियां सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा सामान्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन अत्यधिक साबित होती है, मतलब कुछ व्यक्तियों पर लागू होती है, कुछ व्यक्तियों पर नहीं होती है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। अनुसंधान कार्यों की अपेक्षा चिकित्सक क्षेत्रों में इसका व्यापक
प्रयोग संभव है? कह रहा है कि नॉर्मली क्या होता है, चिकित्सक क्षेत्रों में जो है लोग ज़्यादातर उभार के आते हैं कि हाँ हमको ये रोग हुआ था, हमको ऐसा सर कुछ कुछ भी रहा। ठीक है, चलिए अगला देखिए विधि। तो अगला विधि है स्याही धब्बा परीक्षण विधि। ठीक है, इसका निर्माण हरमन रोरसा ने 1921 में किया था, और यहाँ दे रहा है 10 कार्ड और 5 कार्ड काले वाले, 5 कार्ड काले व सफ़ेद स्याही के धब्बे वाले और 5 कार्ड विभिन्न रंग के। बालकों को कार्ड दिखाकर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी आकृति दिखाई दे रही है। ठीक है, इस तरह से कार्ड मेथड आता है, धब्बा मेथड, ये सब चला गया है। ठीक है, ये सब जमाना गया। प्रासंगिक अंतर्बोध या प्रसंग आत्मबोध परीक्षण, ठीक है, इसका निर्माण मार्गन और मूरे ने 1935 में किया। 30 कार्ड लिया, ठीक है, और प्रत्येक पर एक चित्र बनाया, 10 कार्ड पर स्त्रियों से संबंधित चित्र, 10 कार्ड पर पुरुषों से और 10 कार्ड पर इन दोनों से संबंधित 30 चित्र बनाया, और एक 14 वर्ष से अधिक के बालक को दिखाकर, इन चित्रों को दिखा करके कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। तो उससे पता चलता है कि उनकी पर्सनालिटी क्या है। अरे ये सब जमाना लद गया है, इतना टाइम लगाओगे पर्सनालिटी चेक करने में? ठीक है, आगे है बाल संप्रदाय या बालकों का बोर्ड परीक्षा। ठीक है, इसको निर्माण किया था लियोपोल्ड बैलॉक ने 1948 में। इसमें क्या होते हैं, 10 कार्ड होते हैं, प्रत्येक कार्ड पर जानवरों के चित्र होते हैं और बच्चों को कार्ड दिखाकर कहानियां लिखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चे समझ लिए। आगे है वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसका निर्माण पाइन और टैंडलन ने 1930 में किया। इसमें अधूरे वाक्य को पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो कुछ देखा हमने, आगे अब आपको नोट्स दिखाता हूँ। आ जाओ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इस नोट्स के माध्यम से। देखो, जहाँ हमने बताया कि पर्सनालिटी जो है ये परसोना से निकला है, जिसका मतलब होता है मास्क या मुखौटा। अगर पर्सनालिटी में बताऊँ तो पर्सनालिटी बराबर होता है हेरिडिटी गुड़े इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट में आपका व्यवहार कैसा है वही डिसाइड करता है आपके पर्सनालिटी को। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि व्यक्तित्व की अवधारणा और अर्थ क्या होता है। ठीक है, वहाँ देखो फुल्ली हमने बताया आपको, और यहाँ पर नोट्स के माध्यम से बता रहा हूँ, दोनों चीज़ें लेकर चलता हूँ ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाओ। एक मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण दिया फ्रायड ने, और फ्रायड इसके जन्मदाता भी माने जाते हैं। उन्होंने व्यक्तित्व का निरीक्षण करने के लिए 3 भागों में इसको बांटा। एक ईदम, जिसको ईडी बोलते हैं, दूसरा अहम यानी ईगो, और तीसरा परम अहम यानी सुपर ईगो। ठीक है, जो ईदम था वहाँ क्या था कि व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियाँ और प्राकृतिक इच्छाएँ दोनों निहित होती थी। यानी व्यक्ति के अंदर की प्रवृत्ति क्या है, अरे बचपन में उसकी प्रवृत्ति पता चलती है, जिस माहौल में वो रहता है तभी वहीं से उसकी प्रवृत्तियों का निर्माण शुरू होता है, और उसकी जो प्राकृतिक इच्छाएं हैं वो दोनों निहित होती। ईदम मन में स्थित प्राकृतिक शक्तियाँ हैं जो अबोध या अज्ञान की अवस्था में मृत होती हैं। जब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसके मन में दबी रहती हैं। जैसे उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है वो परिस्थितियाँ क्या हो जाती हैं, जाग जाती हैं, ईदम होता है। ईगो क्या होता है, इसका संबंध ईद और ईगो दोनों से होता है। इसमें चेतना, इच्छा शक्ति, बुद्धि और तर्क, इन सभी तथ्यों का समावेश होता है। अहम ईगो में इन सभी तथ्यों का समावेश होता है। और तीसरा है परम अहम, ये क्या होता है, सुपर ईगो। यह व्यक्ति आदर्श और नैतिक मन वाला होता है, सुख और क्षणिक सुख और भौतिकता से संचालित ना होकर यथार्थता से संचालित होता है, सुपर ईगो। ठीक है, यह यथार्थ में जीता है। ये क्या बोलते हैं, यथार्थ में जीता है, मतलब समझ रहे हो आप, यह मतलब भौतिक सुखों की बात करता है, मतलब भौतिक सुख जो हैं, जो आज के सुख हैं, इसके बारे में नहीं करता है, ये प्राकृतिक सुखों की बात करता है। अर्थात जिस व्यक्ति का सुपर ईगो जितना अधिक होगा उसका व्यक्तित्व उतना ही अधिक होगा, उसकी पर्सनालिटी उतनी ही अधिक होगी, सुपर ईगो में आता है। दूसरा टाइप है मनोविद या मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों को महत्व प्रदान करता है, और इसको बताया था मार्टन और वुडवर्थ ने। ठीक है, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया, अच्छा उन्होंने जो कहा वो पीछे हम लोग देखे ही हैं। आगे है दार्शनिक दृष्टिकोण भी इसका दिया गया। देखो नॉर्मली क्या है ना, हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण था, तो किस व्यक्ति ने क्या कहा बस खाली इसको आप समझ लो। दार्शनिक दृष्टिकोण से कहा गया कि व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के आत्मज्ञान से होता है। अरे व्यक्ति को जब आत्मज्ञान मिल गया वही उसकी पर्सनालिटी है, रियल पर्सनालिटी क्या, मेरे हिसाब से भी जो रियल पर्सनालिटी है वो क्या है, आत्मज्ञान। अगर आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई तो आपकी पर्सनालिटी बहुत बेहतर है, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो पर्सनालिटी का कोई मतलब नहीं है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से क्या कहा गया, यहाँ बताया गया कि जो पर्सनालिटी है ये संस्कृति का व्यक्तित्व व्यक्तिक पक्ष है, मतलब उसका पर्सनल पक्ष है, तथा व्यक्ति पर एक सामाजिक प्रभाव बनाए रखता है, इसको बताया था फॉरिस्ट ने।
ठीक है, ये सब तो ठीक ठाक है कि समाज पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है, संस्कृति पे प्रभाव पड़ता है, ये सब ठीक है, व्यवहारिक दृष्टिकोण है। तो अब इसमें क्या होगा, व्यक्ति के व्यवहार का गुण बताया जाएगा, उसका समग्र गुण बताया जाएगा, तो व्यवहारिक दृष्टिकोण हो गया। तो इसमें कुछ पढ़ना थोड़े, आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, तो जिसका दृष्टिकोण रहेगा उसी पर जो व्यक्ति का झुकाव रहता है। आगे डिफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, ये क्या है, अल्पोर्ट ने अपना एक डिफिनीशन दिया है, उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले उसके अपूर्व अभियोजन का निर्णय करता है। तो हम लोग पीछे भी पढ़े थे ना, आगे दे रहा है गिलफोर्ड के अनुसार क्या है, पर्सनालिटी इज एन इंटीग्रेटेड ट्रेड्स, ठीक है। बोरिंग के अनुसार क्या है कि व्यक्तित्व वातावरण के साथ संबंध और अस्थायी समायोजन करने का प्रतिफल है। वाटसन क्या कहते हैं कि हम जो कुछ करते हैं वही क्या है, व्यक्तित्व, गजब। वाटसन ने तो गजब की बात कर दी, हम जो कुछ करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व, वही आपकी पर्सनालिटी है। मॉर्टन प्रिंस कहते हैं कि व्यक्तित्व समस्त शारीरिक और अर्जित वृत्तियों का योग है। कुछ समझ में आ रहा दोस्तों आपको, आगे देखिए, बहुत कुछ देखना अभी आपको। अब पढ़ना है थोड़ा सा टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में, यहाँ पे क्या पढ़ना, ज़्यादा नहीं बस खत्म होने वाला है, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। तो फ्रेसर ने अपना बताया, ठीक है, फ्रेसर ने बताया, क्रिश्चन ने, इसका नाम था फ्रेसर, ने क्रिसमर है, क्रिसमर, फ्रेसर नहीं, फ्रेसर दूसरे थे, क्रिसमर, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया पिकनिक, एस्थेनिक और एथलेटिक और डिसप्लास्टिक, ये क्या होता है। तो क्रिसमर ने यह निष्कर्ष निकाला कि एस्थेस्टिक, एथलेटिक, शारीरिक रचना वाले व्यक्ति शर्मीले, अकेले रहने वाले और संवेदनशील होते हैं, गजब। इन्होंने खेल के आधार पर, देखिए यहाँ बता रहे हैं कि जो एस्थेस्टिक्स होते हैं और जो एथलेटिक होते हैं, जो इस शारीरिक संरचना वाले व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, शर्मीले होते हैं, अकेले रहने वाले होते हैं और थोड़ा संवेदनशील भी होते हैं, वे सामाजिक सम्यकों से थोड़ा सा अलग रहते हैं और दिवा स्वप्न में अधिक समय बिताते हैं। इन्होंने क्या किया, उनके पर्सनालिटी को बता दिया और आगे बोल रहा है कि पिकनिक प्रकार के लोग बातूनी होते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, पकड़ पकड़ बोलते रहते हैं, लेकिन दयालु भी होते हैं और सामाजिक संपर्क भी बनाए रखते हैं, इसीलिए तो बातूनी होते हैं, ठीक है। कपिल मुनि ने बताया रजोगुण और महात्म के बारे में, रजोगुण और तमोगुण मैंने बताया ना पीछे आपको, स्वभाव के आधार पर। और थार्नडाइक ने सूक्ष्म, प्रत्यक्ष और स्थूल के आधार पर, चिंतन के आधार बताया कि कुछ सूक्ष्म चिंतन वाले व्यक्ति होते हैं, कुछ प्रत्यक्ष चिंतन वाले होते हैं, कुछ स्थूल चिंतन वाले होते हैं। इसी तरह युंग जो मनोविश्लेषणवादी थे, उन्होंने बताया कि बहिर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं और उभयमुखी होते हैं। अंतर्मुखी मतलब आंतरिक सोच रखने वाले, बहिर्मुखी मतलब बाह्य सोच रखने वाले, ठीक है, उभयमुखी मतलब जो दोनों करते हैं। युंग के इस सिद्धांत को सर्वमान्य सिद्धांत भी कहा जाता है। अंतर्मुखी व्यक्ति चिंतनशील होता है और अपनी ओर केंद्रित रहता है, कर्तव्य परायण भी होता है और प्रतिक्रियावादी और कष्टों के प्रति सजग भी रहता है। जबकि जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है उसकी रुचि बाह्य जगत में होती है, आंतरिक जगत में नहीं, अपने अंदर की काम में नहीं, बाह्य कामों में ज़्यादा रुचि होती है और यह आध्यात्मिक विषयों में रुचि नहीं होता है। और जो उभयमुखी होता है यह दोनों का सम्मिश्रण होता है, उन्होंने उभयमुखी या विकासोन्मुखी कहा, ऐसे व्यक्ति को विकासोन्मुखी कहा गया। सेल्डन ने भी कहा, सेल्डन ने एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, आपको बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, ठीक है। विलियम जेम्स ने कोमल हृदय वाला, कठोर हृदय वाला बांटा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग पर्सनालिटी दिया है, बताया कि ऐसे ऐसे पर्सनालिटी हो सकते हैं। भाई जैसे आदमी कितने प्रकार का हो सकता है, अच्छा बुरा, भला बुरा, गोरा काला, ठीक है, झूठा सच्चा, बहुत तरह के हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी जो पर्सनालिटी वो भी कई तरह की होती है, विश्लेषणात्मक, जिसका विश्लेषण किया जा सके, संश्लेषणात्मक। सेल्डन ने कहा कोमल और गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। आधुनिक वर्गीकरण में भावुक, कर्मशील और विचारशील कई टाइप्स हैं। हाँ, एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर कि अगर आपसे कहा जाए कि मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी आप कैसे करोगे, तो याद रखना नॉन प्रोजेक्टिव मेथड या प्रोजेक्टिव मेथड, दो मेथड होते हैं, या तो नॉन प्रोजेक्टिव या तो प्रोजेक्टिव मेथड। तो नॉन प्रोजेक्टिव मेथड की अगर बात आती तो वहाँ से फिर से दो प्रकार हो जाते हैं, एक सब्जेक्टिव मेथड, दूसरा ऑब्जेक्टिव मेथड, जिसके बारे में अभी हम लोग पीछे बात किए डिटेल में, ठीक है। अब सब्जेक्टिव मेथड की बात करेंगे तो इसमें आत्मनिष्ठ विधियाँ आती है, साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू मेथड, आत्मकथा विधि, बताया गया ना कि शीर्षक दे दिया जाएगा उस पर लिखने के लिए, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, जीवन इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड, ठीक है, और अवलोकन विधि यानी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये आपका सब्जेक्टिव मेथड है। ऑब्जेक्टिव मेथड में क्या होता है, वस्तुनिष्ठ विधियाँ होती हैं, इसमें रेटिंग स्केल के माध्यम से यानी निर्धारण मापनी के माध्यम से, अंकिक मापनी, मापनी हो गया, कई तरह के मापनी होता है, इनके माध्यम से, सूचना विधि या प्रश्नावली मेथड के माध्यम से, और सिचुएशन टेस्ट करके। सिचुएशन टेस्ट कैसे करोगे, दो तरह से कर सकते हो, या तो समाजमिति या तो मनोअभिनय, ठीक है, इन दोनों के माध्यम से कर सकते हो। इसी तरह जो आप ऊपर पढ़े हो ये प्रोजेक्टिव मेथड, यहाँ पर ये तो नॉन प्रोजेक्टिव मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड की बात करोगे
तो प्रोजेक्टिव मेथड में ये सब हैं। साचर तकनीक होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शनल टेक्निक होता है यानी रचना होता है, ठीक है, रचना मेथड है। इसी तरह कंप्लीशन टेक्निक होता है, पूर्ति मेथड होता है, ऑर्डरिंग टेक्निक होता है, क्रम मेथड होता है, एक्सप्रेशन टेक्निक होता है, अभिव्यक्ति मेथड होता है। तो बहुत ज़्यादा आपको अंदर नहीं जाना है, जब हम इससे संबंधित जब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक काम करिएगा, हो सकता है कुछ लोगों को डाउट हो रहा हो कि सर अगर ऐसे हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो मैं श्योर कर दे रहा हूँ आपको कि अब मैं क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ लेके चलूँगा, ताकि हर चैप्टर के बाद अगर हम क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, हर चैप्टर संबंधित 100-150 क्वेश्चन देख लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो मुद्दा है वो क्लियर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड में कुछ दे रहा है, IBT है, इंक बॉल टेस्ट मेथड, जिसको स्याही धब्बा परीक्षण विधि बोलते हैं, ठीक है। इसको दिया था हरमन रोसार्क ने, इसको नोट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा, इसमें 10 स्याही के कार्ड वाला बताया था ना आपको, वो सारा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक है TAT, जिसको थीमेटिक एप्रिसिएप्शन मेथड बोलते हैं, प्रशंसात्मक, ठीक है, इसको मरे और मॉर्गन ने दिया था। कैट मेथड, चाइल्ड क्या लिखा है, एप्रिसिएप्शन मेथड टेस्ट, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और सेंटेंस एपरसेप्शन टेस्ट, इसको, ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग पीछे पढ़े थे। अरे वही यार, जिसमें एक कहानी होती थी, अधूरी कहानी होती थी, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का, और उसको भरना होता था। इसमें क्या होता था, कैट वाले मेथड में इसमें 10 कार्ड होते थे, जानवर वाले होते थे, ठीक है। इसमें क्या होता था, मॉर्गन ने जिसको दिया था, इसमें 30 कार्ड होते थे, एक पे आदमी का, एक पे महिला का, एक पे दोनों का चित्र बन जाता था, ऐसे ऐसे करके होते थे ना, बस वही करना है आपको। आगे है गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी, ये क्या होता है एक्चुअली में, पर्सनालिटी के लिए क्या क्या जरूरी है, तो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, आत्मचेतना व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए, सामंजस्यशीलता होनी चाहिए, हर माहौल के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके, सामवैगिक स्थिरता होनी चाहिए, समग्रता होनी चाहिए, एकीकरण होना चाहिए, दृढ़ संकल्प शक्ति होना चाहिए, उसके अंदर संतोष की भावना आनी चाहिए, ऊंची आकांक्षा, उद्देश्यपूर्ण स्थिति, विकास की निरंतरता और चारित्रिक पूर्णता, ये सारे जिसके अंदर ये सारे पॉइंट्स होते हैं, उसका कैरेक्टर क्या होता है, बेहतर होता है। तो दोस्तों, इससे अब मैं क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा, तभी मैं आपको बता पाऊँगा। चलिए, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। हो सकता है भाई कई लोगों को बुरा भी लगे कि सर इस तरह मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में, तो यार देखो, मैं तो इसलिए खाली चीज़ों को शुरू किया था ताकि आप जो है ठीक ढंग से पढ़ सको, बेहतर ढंग से, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। एक चीज़ और कहूँगा कि अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है तो आप उसको स्किप मत करिएगा, बाकी काम भर का मैं आपको बता रहा हूँ, अब क्वेश्चन आंसर कराऊँगा तो बाकी क्लियरिटी आपको हो जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।